हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 8 का एक्सरसाइज 3 है, जिसमें स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स देखेंगे, जो कि हमारा आर एस सवाल का सोल्यूशन होगा। और 3A में हम क्वेश्चन नंबर 3 से कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका प्रीवियस क्वेश्चन किया हुआ है, इसका प्रीवियस एक्सरसाइज भी किया हुआ है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, या फिर जो उसका वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तो आप उस वीडियो को वहां से जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है, बाई वट लिस्ट नंबर शुड बी गिवेन नंबर बी मल्टीप्लाई टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इन ईच केस, फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर। यानी बोला जा रहा है कि जो भी हमारे पास गिवन क्वेश्चंस है, गिवन नंबर है, उस नंबर में हम किस डिजिट से मल्टीप्लाई करें कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। पहला हुआ, अगेन फिर से बोला जा रहा है, इन ईच केस फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज न्यू नंबर, और वो प्रत्येक केस में हमें ये बताना है कि वो कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 3675, इसका पहले हम फैक्टर निकालेंगे। तो इसको जब हम 5 से डिवाइड लगाएंगे तो 7 बार में 35 यानी 17, 3 बार में 15, 25 यानी 5 बार में, अगेन ये 5 से फिर से कटेगा, तो 5 से कटाएंगे तो ये 1 बार में 7, 5, 2, 3 यानी 4 बार में 20 और ये 7, ये हमारा 3 के टेबल से कट जाएगा, 3 चौका 12 9 और ये हो जाएगा 7। यानी जब इसका हम परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 5, फिर 3 है इंटू 7 × 7, यानी 5 का तो पेयर हो जाएगा, 7 का भी पेयर हो जाएगा, बट 3 जो डिजिट है सिंगल डिजिट है। यदि हमें इसका भी पेयर निकालना होगा तो 3 एक नंबर, यहाँ पे तो क्वेश्चन में पूछा ही जा रहा था किस नंबर से मल्टीप्लाई कराएं कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, यानी एक 3 है, अगर से एक 3 हम खुद से डाल देते हैं तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। यानी लिखेंगे मल्टीप्लाई नंबर इक्वल टू हो जाएगा 3 और परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा 5 का पेयर 5, 7 का पेयर निकालेंगे 7 और 3 का पेयर निकालेंगे तो 3। यानी जब इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो 7 में 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे 35 और 35 में 3 से कराएंगे 105, यानी वो जो नंबर है हमारे पास 105 है। ये किसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया और मल्टीप्लाई जिससे करेंगे वो है 3। अगेन क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में है 2156। तो इसका जब हम फैक्टर निकालेंगे तो ये 10 के टेबल से कट जाएगा 20 107, बार में 14 यानी 8। अगेन फिर से 2 से इसको कटाएंगे तो हो जाएगा 5, 3 बार में 6 9 और ये हमारा 7 के टेबल से कट जाएगा, 7 के टेबल से 7 बार में 49 और ये 4 यानी 7 बार में, अगेन फिर से 7 बार में 11। और जब इसका हम परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे 2 × 2 7 × 7 × 11, यानी 2 का पेयर हो गया, 7 का पेयर हो गया, बट 11 का जो है वो पेयर नहीं हो पा रहा है। यानी इसमें एक और हम 11 से मल्टीप्लाई करा देंगे खुद से तो ये भी पेयर हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई नंबर हो जाएगा 11, चूंकि हम खुद से लगाए हैं, और परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा 2 का पेयर 2, 7 का 7 और 11 का पेयर 11, यानी 2 में 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 14 × 11 और 14 में 11 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे करा लेते हैं, ये हो जाएगा 154, यानी वो जो नंबर है परफेक्ट स्क्वायर का वो 154 हो जाएगा और जो मल्टीप्लाई करने का नंबर है वो 11 है। तो आप इस दिनों क्वेश्चंस को एक बार नोट कर लें। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में 3332 और इसका भी हमें पूछा जा रहा है कि कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नंबर होगा। तो सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा हमारा 16 बार में 32 यानी 1 और 3, 6 बार में हमारा 12 और अगेन 6 बार में, फिर 2 से इसको जब हम कटाएंगे तो ये हो जाएगा 8 बार में और ये 33। यहाँ पे हमारे पास हो गया 833। तो इसको जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 से 1 बार में कटाएंगे तो ये हो जाएगा 7 यानी ये 13, 13 1 बार में कटाएंगे तो 6 और 9 बार में 63। अगेन इसको फिर से हम कटाएंगे तो ये हमारा 7 से कट जाएगा, यानी 7 1 बार में
इसको 7 से नहीं, इसको 17 के टेबल से घटा लेते हैं, तो 17 7 जा 119 हो जाएगा, या 7 से भी कट जाता 17 बार में। तो इसको जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 × 2 × 7 × 7 पहले लिख लेते हैं × 17। अब यहाँ पे यदि हम इसका स्क्वायर रूट निकालें तो 2 का पेयर लग गया, 7 का पेयर लग गया, बट 17 का पेयर नहीं लगेगा। तो 17 का पेयर लगाने के लिए हमें एक नंबर चाहिए, जो कि हम खुद से ये नंबर लिखेंगे 17, यानी 17 से जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। यानी यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई नंबर इक्वल टू हो जाए 17, और परफेक्ट स्क्वायर हमारा जो है वो हो जाएगा 2 का पेयर 2, 7 का पेयर 7 और 17। यानी 17 में 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 34 × 7, और इसको जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो 25 × 8 = 2, 21 × 2 = 23। यानी हमारे पास मल्टीप्लाई नंबर होगा 17 और परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर है वो हो जाएगा 238। यानी 238 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 3332। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 2925। यानी इसको जब हम 5 से कटाएंगे तो 5 बार में 25 और ये हो जाएगा 42, यानी 8 बार में 40, 42 8 बार में 40 और वहाँ पे 5 बार में, यानी 5 बार में कटेगा। फिर 5 से इसको हम कटाएंगे तो 1 बार में 5, फिर ये 8 है 1 बार में 5 यानी 7, और ये जो हमारा है ये 3 के टेबल से कट जाएगा, 3 × 9 = 2 और ये 7 यानी 9 बार में, और फिर ये 3 से 13 बार में। अगेन इसका जब हम परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 5 × 3 × 3 × 13, और 5 का पेयर लग गया, 3 का पेयर लग गया, बट 13 का पेयर नहीं लग रहा, यानी 13 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो मल्टीप्लाई नंबर हो जाएगा 13 और परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा 5 का पेयर 5, 3 का पेयर 3 इंटू 13, और जब इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 × 13 में 3 से कराएंगे 39, और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 9 × 5 = 45, 5 × 4 = 15, 4 = 19, यानी 195। यानी जो मल्टीप्लाई करने वाला नंबर होगा वो 13 होगा और इसका परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर होगा 195 होगा। तो आप इस दोनों क्वेश्चंस को नोट कर लें। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो है 9075, यानी 9075, और इसको जब हम 5 से कटाएंगे तो ये हमारा 5 से 18 बार में पूरा कट जाएगा 19, और ये 15 बार में 75। अगेन फिर से इसको 5 से जब हम कटाएंगे तो 5 से 3 बार में 15, यानी 316 बार में हमारा ये कट जाएगा 30, यानी 15 और 3 बार में। अगेन ये हमारा 3 के टेबल से कट जाएगा 12 बार में 36 और 1, और ये जो है हमारा 121 ये हमारा 11 के टेबल से 11 बार में कट जाएगा। यानी जब इसका हम परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे तो 5 × 5 × 3 × 11 × 11, यानी 5 का जब हम पेयर निकालेंगे 5 11, बट 3 का पेयर नहीं लग रहा, यानी हमें 3 नंबर से खुद से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मल्टीप्लाई नंबर हमारा हो जाएगा 3 और परफेक्ट स्क्वायर हमारा हो जाएगा 5 का पेयर 5, 3 का पेयर 3 इंटू 11, यानी 5 में 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे 15 × 11, और 15 को 11 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा हो जाएगा 165। यानी जिस डिजिट से मल्टीप्लाई कराएंगे वह 3 होगा और परफेक्ट स्क्वायर नंबर 165 होगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, 7623। यानी जब इसको हम 3 से कटाएंगे तो ये 2 बार में 616 यानी 16, 3 के टेबल से 5 बार में 15 यानी 12, 4 बार में ये 1 हो जाएगा। अगेन फिर से जो इसको 3 बार में 3 के टेबल से कटाएंगे तो 25 है, 8 बार में 24 यानी 1 हो जाएगा, और 4 बार में 12 यानी 21, और ये हमारा 7 बार में कट जाएगा। अगेन फिर से इसको हम 7 के टेबल से जब कटाएंगे तो ये हो जाएगा 1 बार में
वन बार में सेवन, वन फोर, टू बार में और ये वन बार में, और ये हमारा 121 जो है ये 11 के टेबल से 11 बार में, यानी जब इसका हम परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 3 × 11 × 11 × 7, यानी 3 का पेयर लग जाएगा 11 का लग जाएगा, बट 7 जो है वो सिंगल डिजिट है, यानी 7 हमें खुद से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी मल्टीप्लाई नंबर जो है हमारा हो जाएगा 7, और परफेक्ट स्क्वायर जो है हमारा हो जाएगा 3 का पेयर 3, 11 का पेयर 11 और 7 का पेयर 7, यानी जब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 7 में 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे 21 × 11, यानी 21 से जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 21 में 11 से तो ये हो जाएगा 231। तो आप इस दोनों क्वेश्चंस को एक बार नोट कर लें। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, 3380, यानी जब इसका हम फैक्टर निकालेंगे तो 2 के टेबल से ये 16 बार में हमारा हो जाएगा 32, यानी 189 बार में और ये 0, 2 से फिर से इसको कटाएंगे तो ये 8 बार में और ये 45 बार में हमारा 90 कट जाएगा, यानी 5 के टेबल से जब इसको हम कटाएंगे तो 5 के टेबल से हमारा 16 बार में 80 और ये 9 बार में यानी हो जाएगा 13। अगेन इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 13 × 13 × 5, यानी 2 का पेयर हो जाएगा 13 का पेयर हो जाएगा, बट 5 जो है सिंगल नंबर है, यानी 5 से इसको पेयर बनाने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई नंबर इक्वल टू 5 और परफेक्ट स्क्वायर जो है हमारा हो जाएगा 2 का पेयर 2, 13 का 13 और 5, यानी 5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 × 13 यानी 130। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई नंबर जो हुआ, मल्टीप्लाई करने वाला नंबर हुआ 5 हुआ, और इसका जो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा वो 130 नंबर हो जाएगा। अगेन क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, 2475, यानी 5 के टेबल से जब इसको हम कटाएंगे तो ये हमारा 4 बार में कट जाएगा, पंचों का 20 यानी ये हो गया 4 और 7, 9 × 5 = 45 और ये 5 बार में 25, यानी फिर से इसको जब हम 5 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9 बार में 45, यानी 4 × 5 = 45, और इसको जब हम कटाएंगे तो 3 के टेबल से हमारा कट जाएगा 3, अगेन ये 3 के टेबल से 11 बार में, यानी जब इस डिजिट को हम लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 5 × 5 × 3 × 3 × 11, यानी 5 का पेयर हो जाएगा, 3 का पेयर हो जाएगा, बट 11 जो है 11 को पेयर बनाने के लिए 11 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी मल्टीप्लाई नंबर जो है हमारा हो जाएगा 11 और परफेक्ट स्क्वायर जो है हमारा हो जाएगा 5 का पेयर 5, 3 का 3 इंटू 11, यानी 5 में 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे ये हो जाएगा 15 × 11, और 15 को 11 से जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 165, यानी मल्टीप्लाई जो डिजिट है वो हमारा हो जाएगा 11 और परफेक्ट स्क्वायर 165 का होगा। तो आप इस दोनों क्वेश्चंस को एक बार नोट